नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की हमारी ये फिफ्थ वीडियो है जो कि हम लोग जॉब अपडेट से रिलेटेड लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग जॉब अपडेट से रिलेटेड भी चार वीडियो अपलोड कर चुके हैं और प्रीवियस जो आज पेपर हुआ है CS के पालमपुर JEE का, उसके भी तीन वीडियो सोल्व क्वेश्चन डाल के हम लोग उसमें वीडियो में अपने प्ले लिस्ट में ऐड कर चुके हैं। तो अगर किन के पास वो वीडियो नहीं पहुँची है तो हमारे हिम इंडिया एजुकेशन चैनल यूट्यूब पर वो सब उन पर विज़िट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो है, इस वीडियो में हम लोग रामपुर में जल शक्ति डिवीज़न द्वारा वैकेंसी निकाली गई है पैरा फिटर पंप, पैरा पंप ऑपरेटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर, उसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इससे पहले सुन्नी और पधर मंडी की भी वीडियो हम लोग पैरा फिटर वगैरह पंप ऑपरेटर की जल शक्ति विभाग द्वारा जो जारी की थी अपलोड कर चुके हैं। अब ये तीसरी वीडियो है, इस बार जो वीडियो आई है हमारे हम बनाने जा रहे हैं वो रामपुर के ऊपर बनाने जा रहे हैं, रामपुर डिवीज़न जो शिमला में, यहाँ पर जो है पैरा पंप ऑपरेटर की 14, पैराफिटर की 3 और मल्टीपर्पज़ वर्कर की टोटल 29 वैकेंसी निकली है, जिसमें कि पैरा पंप ऑपरेटर के लिए मानदेय 4300 रुपये पर मंथ, फिटर के लिए भी 4300 और मल्टीपर्पज़ वर्कर्स के लिए 3000 रुपये पर मंथ फिक्स किया गया है। एज क्राइटेरिया की बात की जाए 18 से 45 वर्ष इसमें होगा और इसमें इसको लास्ट डेट अप्लाई करने की 29 जुलाई रखी गई है। 29 जुलाई से पहले पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करने का जो मोड होगा वो ऑफलाइन होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल शक्ति डिवीज़न रामपुर से ही मिलेगा। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के साथ में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके 29 तारीख से पहले पहले सबमिट करवाने होंगे। और पैरा पंप ऑपरेटर के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो सेम ही हर डिवीज़न में आपको देखने को मिलेगी कि पैरा पंप ऑपरेटर के लिए मैट्रिक प्लस साथ में ITI चाहिए आपकी, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक या मोटर व्हीकल मैकेनिक या पंप ऑपरेटर, इनमें से कोई भी एक वैकेंसी हो, कोई भी एक आपने ITI की हो तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पैरा फिटर के लिए जो है वो 10th विद ITI ट्रेड होनी चाहिए आपके पास, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए जो सिर्फ वो मिडिल पास कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, बस उसकी आयु जो है वो 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए और इसके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस भी इसमें अटैच कर सकते हैं। और अब लास्ट तारीख 29 तारीख से पहले आपको जल शक्ति विभाग रामपुर डिवीज़न में इसको अपने फॉर्म को सबमिट कराना होगा। तो ये तो था दोस्तों जल शक्ति विभाग रामपुर के द्वारा जो निकाला गया नोटिस। जैसे ही कुछ और डिवीज़नों के हमें नोटिस मिलेंगे हम लोग आपको उससे भी अपडेट करवाते रहेंगे। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन ऑन रखें ताकि लास्ट डेट से पहले पहले ही आपके तक सारे जो अपडेट है वो पहुँचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।